जमीन की लड़ाई तो सदियों पुरानी है। इस लड़ाई में सैकड़ों नायक आए और चले गए, लेकिन यह लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों, आज की यह वीडियो उस स्वतंत्र सेनानी की है जिन्होंने 19वीं सदी में 22 साल की उम्र में भारत को स्वतंत्रता दिलाने की लड़ाई लड़ी। हम बात कर रहे हैं एक करिश्माई और विद्रोही नेता बिरसा मुंडा की, जिसके एक बुलावे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और जिन्होंने अंग्रेजों को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उनकी मुंडा जाति बिरहत कुल परिवार का एक हिस्सा थी। मुंडा रीत रिवाज के अनुसार उनका नाम बिरसा रखा गया था। बिरसा मुंडा के जन्म के बाद उनका परिवार रोजगार की तलाश में कुरुमबदा आकर बस गया था, जहां वे खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। बिरसा मुंडा के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से उन्हें उनके मामा के गांव अयूब भातू भेज दिया गया। अयूब भातू गांव में बिरसा 2 साल तक रहे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सकाला से ग्रहण की। बिरसा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने स्कूल चलाने वाले गुरु जयपाल नाग से ज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहा गया। लेकिन उस समय क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, इसलिए बिरसा ने अपना धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। हालांकि कुछ सालों बाद बिरसा ने क्रिश्चियन स्कूल छोड़ दिया था, क्योंकि उस स्कूल में आदिवासी संस्कृति का मजाक बनाया जाता था, जो कि बिरसा मुंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिलहाल इसके बाद वह अपने गांव वापस आए और यहां हिंदू बनकर एक दोस्त के साथ रहने लग गए और यहीं उन्हें एक वैष्णव संत की संगत मिली और वे ओझा के रूप में मशहूर होने लगे और यहीं से उनके जीवन में बदलाव आया। इसके बाद महानायक बिरसा मुंडा का संपर्क स्वामी आनंद पांडे से हुआ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अंग्रेजी कंपनी भारत के 2/3 हिस्से में कब्जा कर चुकी थी और यह सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी था। 19वीं सदी के बाद उन्होंने भारत के रिहायशी हुकूमत वाले हिस्से को भी जीत लिया था। वहीं बिरसा मुंडा के इलाके छोटे नागपुर में नियंत्रण के लिए वन्य कानून समेत कई अन्य कानून भी लागू कर दिए गए और देखते ही देखते आदिवासियों से उनके अधिकार छीने जाने लगे थे। वे ना तो अपने भेड़ बकरियों को चारा खिला सकते थे और ना ही वे जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा कर सकते थे, जिससे उन लोगों को अपने जीवन यापन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इसी दौरान अंग्रेजों ने जंगलों की बाहरी सीमाओं पर बाहरी लोगों की बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। वहीं मुंडा जिस जमीन को अपनी साझा संपत्ति समझते थे, अंग्रेजों ने उनका मालिकाना हक भी उन बाहरी बस्ती के लोगों को दे दिया। अपनी जवानी के दिनों में बिरसा मुंडा इन अंग्रेजों, मिशनरियों और बाहरी लोगों के खिलाफ होने वाले आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे। 1895 में बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि वह इसका विरोध करेंगे। इसके बाद उस पहाड़ी पर देखते ही देखते हजारों लोग इकट्ठा हो गए, जहां अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हजारीबाग केंद्र जिले में 2 साल की सजा ने बिरसा मुंडा की ख्याति को और अधिक बढ़ा दिया। 1898 में अपनी रिहाई के बाद बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी का पुतला फूंकने की आदेश दे दिया और इसके अगले साल यानी 1899 में उन्होंने और उनके चाहने वाले लोगों ने वही किया, जिससे अंग्रेजों की नाक में दम हो गया। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। तीर, धनुष, कुल्हाड़ी और गुलेल से लैस मुंडाओं ने अंग्रेजों और उनके दलालों के खिलाफ धावा बोल दिया, उनकी संपत्ति को जलाकर राख कर दिया और तो और कई पुलिस वालों को भी मार गिराया। इस लड़ाई में पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। वहीं उल गुलान के नाम से मशहूर ये बगावत ज्यादा दिनों तक
टिक नहीं पाई। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल डाला और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को भी चक्रधारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके एक साल बाद जेल की काली कोठरी में हैजा से उनकी मौत हो गई। स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन से जुड़ी और बातें जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई बिरसा मुंडा नामक किताब की मदद ले सकते हैं। यह किताब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के बारे में जानने के लिए बिरसा काव्य अंजलि किताब भी पढ़ सकते हैं। अगर आप इन किताबों को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इस किताब को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।